हेलो एवरीवन, मैं हूँ आमिर खान। तो दोस्तों, आज के नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि आज हम आ चुके हैं यहाँ पर भोपाल की ईदगाह पर। ईदगाह में अभी कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है यहाँ पर। अभी क्या क्या हो रहा है अंदर भाई? ईदगाह मस्जिद में सफाई का काम चल रहा है। भोपाल की ईदगाह में सफाई चल रही है। चली चलकर देखते हैं भाई अभी क्या क्या अंदर हो रहा है। और अभी कुछ टाइम पहले वीडियोज़ भी वायरल हुई थी कि उसमें बताया था काफ़ी गंदगी हो रही है ईदगाह के अंदर, ऐसे कुछ था ना। तो इसलिए अब लोग इकट्ठा हुए हैं, जागे हैं भोपाल के नौजवान कि भाई चलो मेहनत करेंगे। जब भी लोगों को वक्त मिल रहा है, संडे के दिन या किसी भी दिन, अगर लोग मेहनत कर रहे हैं तो चलिए अभी हम ईदगाह के बाहर ही खड़े हुए हैं। यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं आखिर है क्या क्या अंदर। तो दोस्तों, ईदगाह का आप साइज़ देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, अंदर से हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा जो बाहर का एरिया देख रहे हैं ना, ईद के दिन यहाँ पर भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं, यानी कि अंदर कम पड़ जाती है तो बाहर भी जा नमाज़ें बिछाई जाती हैं। तो चलिए शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अंदर आने के बाद हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पे काफ़ी सारा कचरा हो रहा था बैक साइड पे, यहाँ पर कॉर्नर पे, तो उस एरिया को क्लीन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप, पूरी ईदगाह के अंदर ये घास उग रही है, काफ़ी ज़्यादा घास है। तो काफ़ी सारे लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। तो भाई जान, क्या नाम आपका? इकराम उल हक। तो बताइए क्या क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? यहाँ पे साफ सफाई का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। मुसलमान नौजवान शहर भोपाल से यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा। अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं। असल में यहाँ बहुत ज्यादा जंगली घास उग गई थी और नापाक जानवर उन्होंने अपनी सैरगाह बना लिया था। अच्छा। यहाँ पे जी हाँ, उसके लिए जंगली सारे दरख्तों को और घासों को काटा जा रहा है। तो अभी डेली का काम चल रहा है यहाँ पर या हफ्ते में क्या चल रहा है? अभी पिछले संडे को, इससे पहले वाले संडे को हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आए थे। बीच में 144 लग गए, इस वजह से नहीं आए। इस संडे के ऊपर भी था, लेकिन अब क्या कहें, अपने लोगों से अल्लाह ताला जिसको कबूल कर ले वो लोग माशाल्लाह यहाँ पर हैं। और बाकी जिन लोगों को कमलनाथ ने कबूल करा था वो वहाँ पर जो बात है कहावत की जाती है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज यहाँ पर हमारे लाइफ लाइन ग्रुप के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं और हमारे लाइफ लाइन ग्रुप के साथ जहांगीराबाद से अपने BBM ग्रुप के साथी भी हमारे कांधे से कांधा मिलाकर यहाँ पर अपने काम को, खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और हमारे मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष जनाब मुनव्वर अली साहब वो भी यहाँ मौजूद है अपने टीम को लेकर। तो सब साथियों के साथ मिलकर ये ईदगाह इंशाल्लाह दोबारा संवरेगी और अपने पुरखलूस अंदाज के साथ भोपाल शहर में, बल्कि एशिया में ईदगाह का नाम नंबर वन पर है। इंशाल्लाह दोबारा इसकी साफ सफाई होकर इंशाल्लाह फिर चमकाएंगे। यहाँ पे अभी थोड़ा लंच का टाइम हो गया तो काफी साहब भी लोग इकट्ठा होकर लंच कर रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर अभी स्टार्ट होने वाला है काम। यहाँ पे पीछे साइड में चल रहा है अपना पूरी दीवार का एरिया। ये दीवार आपको यहाँ से लग रहा है 6 फीट, लेकिन ये दीवार बाहर से अगर जाएगा तो कंस्ट्रक्शन की वजह से वहाँ की मिट्टी, वहाँ का जो है ना लेवल उड़ गया है। अच्छा। तो वो बची है सिर्फ 4 फीट। अच्छा। 4 फीट होती है, इतनी छोटी सी बात, तो किसी के लिए भी यहाँ से जंप करना आसान हो गया। तो यानी कि दीवार को ऊपर उठाने का काम जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये, यहाँ पे जो घर बने इसका सवाल होगा नहीं होगा? 95-94 की बता रहा हूँ। अच्छा, 95 की बात, 95-94 में ये सब आवाज था जिसमें नमाज होती थी अंदर। तो इस एरिया में लेडीजों के लिए सेपरेटली एक एरिया बनाए थे जहाँ पर लोग ईद की, औरतें भी ईद की नमाज पढ़ने के लिए आती थी नमाज पहले। अभी कितने टाइम से बंद है ये चीज? औरतों का नमाज पढ़ना, औरतों का नमाज पढ़ना तो 40-50 साल हो गए होंगे नमाज पढ़ने नहीं आई हूँ। अच्छा, जब से बंद है ये चीज? जब से बंद है। नीम के दरख्त देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक बीच में दीवार थी, पार्टीशन था। अच्छा। यहाँ पर मस्तूरात नमाज पढ़ा करती थी, उस साइड जेंट्स नमाज पढ़ा करते थे। और आप आइए, जब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से ये हिस्सा है, ये ऊपर भी मैं समझता हूँ शायद दैनिक पढ़ती होंगी नमाज, मस्तूरात के पढ़ने की जगह थी ऊपर भी नमाज। अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि किसी भूत बंगले में आ गए। ये कौन सी जगह ये वाली? ये बुर्जा है ईदगाह कहीं, जहाँ पे मस्तूरात ऊपर जाकर नमाज पढ़ती थी। यहाँ की आप सीढ़ियों की बनावट देखिए कि बुजुर्ग भी चढ़ सकते हैं, बच्चे भी चढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ शायद 3-3.5 इंच की इसकी वो है। 4 इंच के इन्होंने डिस्टेंस यहाँ पे झाड़ू का काम चल रहा है, सफाई हो रही है। एक डेढ़ घंटे पहले यहाँ पर आलम ये था कि यहाँ पे अपन चल नहीं सकते थे, इतने झाड़ झंकार थे। कब से सफाई नहीं हुई यहाँ की? मैं समझता हूँ तो कम से कम 20-25 साल से तो नहीं हुई होगी। आप देखेंगे नजर यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल था। अच्छा। पूरे के अंदर यहाँ पर यहाँ से जैसे बेरियों के पेड़ और जने काय काय के पेड़ से चलना दुर्भर था।
ये खास किस चीज के लिए बना था ये एरिया? ये वगैरह हमसे मस्तूरात नमाज पढ़ा करती थी। अच्छा, इस एरिया के लिए खास। और इसकी इन जालियों की खासियत ये है कि ऊपर वाला नीचे देख सकता है, उधर से किसी को इधर नहीं दिखेगा, तो ये पर्दे का सिस्टम भी रहा। अच्छा, ये जाली के अंदर ये सिस्टम देखिए आप, इसमें ये सिस्टम है कि यहाँ से लोग जो भी होगा यहाँ से बाहर का देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाले लोग अंदर नहीं देख सकते। इसकी बनावट इस तरीके से इन्होंने देखिए शेप दिया हुआ है, ये जाकर आगे से चपटा होगा, यहाँ से चौड़ा है। ये देखिए भाई लोग यहाँ पर खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। भाई कब से आए आप यहाँ पर? भाई सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे से डेली आ रहे हैं? हफ्ते में नहीं, संडे के दिन। संडे के दिन। और आप लोग? भाई 12 बजे से। 12 बजे से आए हुए हैं। और आप लोगों ने क्या क्या काम होगा यहाँ पे? भाई ये पूरा क्लियर कर दिया हमने, यहाँ पर बहुत खतरनाक था यहाँ पर। अच्छा, कितना कचरा था यहाँ पे आपने अभी यहाँ पर सफाई की? काफी कचरा नीचे फेंक दिया यहाँ। अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट फेंक दिया आपने? अभी यहाँ पे जितने भी लोग खिदमत कर रहे थे उन सबके लिए थोड़ा नाश्ता भी हो रहा है यहाँ पे, देखिए। आज हम आपको बताएंगे संतरे किस तरीके से छीला जाता है। TRS ने छीले थे अभी पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले। अच्छा, संतरे। अच्छा, इनकी वीडियो भी आई थी। जो ईट होती ना उसको किस तरह की इस्तेमाल की जाती थी, देख कितना छोटा साइज है इसका, तकरीबन 1 या 1.5 इंच का साइज ईट का, इतनी छोटी पतली ईट उस टाइम पे चलती थी। आज तो हमारे यहाँ 4 इंची 5 इंची और बड़ी बड़ी ईटें भी चल रही हैं, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ चलती थी। सब हो गई। यहाँ देखो एक फर्जी इंसान मेहनत करता हुआ। फर्जी इंसान फर्जी मेहनत देख लो, ऐसे मेहनत करोगे तुम? क्या हो गया? काफी टाइम से मेहनत कर रहा हूँ माशाल्लाह, दीवार के ऊपर बैठ कर इन्होंने काफी सारे तस्ले फेंके। कितने फेंक दिए आपने? अच्छा व्यक्ति है ये सारे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे पानी का टैंकर आ गया और इसी के पानी से अब धुलाई होना शुरू हो गई यहाँ पर। पहले जो ऊपर का थोड़ा थोड़ा कचरा था उसको उठाकर फेंक दिया झाड़ू लगा के, अब पानी से साफ किया जा रहा है, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ये एरिया। ये टैंकर खड़ा हुआ अपने यहाँ से 3 माले नीचे और ऊपर पाइप लगे, यहाँ से इसको प्रेशर मार रहे हैं। चौहान आए कब से? नहीं सर्दियाँ पड़ती हैं तो 3-3 दिन में नहाता है। मैं तो डेली नहाता हूँ भाई। चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। ये ऊपर के एरिया पे काफी धुलाई भी हो गई और अच्छा क्लीन हो गया एरिया, और ये जीने भी काफी अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, यहाँ पर ही प्रेशर मार दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, पहले जो देखेंगे काफी सारा कचरा हो रहा था यहाँ पर, पेड़ वगैरह भी उग रहे थे। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, एक भाई ने मुझे दिया है कि कल या परसों का वीडियो है। अब देखिए आप, वहां से लेकर ये ऊपर तक जाने का रास्ता पूरा साफ हो चुका है, और ये जो गेट है ना ऊपर जाने का, ये है मस्जिद, ईदगाह की मस्जिद है, इसके साइड से ये गेट है। वैसे आम लोगों के लिए ओपन नहीं रहेगा, ये आज सफाई चल रही है इसलिए ओपन है यहाँ पर। अभी हम खड़े हुए एक कोने पर ईदगाह का, और देखिए पीछे साइड पूरी ईदगाह है माशाल्लाह, कितने बड़े एरिया के अंदर। बताते हैं यहाँ पर तकरीबन 4 लाख लोग है ना, 4 लाख लोग नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं। और भोपाल की तो बड़ी है ही, और इसी के साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी ईदगाह होगी ना, एशिया की सबसे। तो कंफर्म तो नहीं कह सकते एशिया की, लेकिन बता रहे हैं कि लोग सबसे एरिया साइज के हिसाब से सबसे बड़ी एशिया की ईदगाह है ये भोपाल की। दोस्तों आज हम तकरीबन कितना टाइम होगा, पिछले साल अपन ईद की नमाज पढ़ने के लिए बकरीद के आए थे 2019 की है ना? नहीं, मैं तो राघो घर में पढ़ता हूं। तुम नहीं पढ़ते? 2019 की ईद की नमाज हमने पढ़ी थी, उसके बाद आज यहाँ पर एंटर हो रहा है। 2020 तो पूरा निकल गया है, मीठी ईद भी बकरीद भी, लॉकडाउन की वजह से लोग कोई भी नहीं आ पाए, सब घर पे नमाज हुई है, तो आज एंटर हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पर अपन सब इकट्ठा होंगे यहाँ पर, फिर नमाज पढ़ेंगे। ये मेंबर है सामने ईदगाह का, यहाँ पर अभी शायद अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है, कंस्ट्रक्शन का फिनिशिंग मार्बल वगैरह लग रहा है। और इस तरफ देखेंगे राइट साइड पूरी दीवार ऑलमोस्ट कंप्लीट दिखाई दे रही है, और इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी कंप्लीट दिखाई दे रही है, लेकिन उसी के साथ अभी काफ़ी सारा सामान इस तरह से बड़ा हुआ कटिंग वटिंग मार्बल की, तो इससे लग रहा है कि अभी कुछ काम बाकी रह गया है। बुझा भी था बाहर कर कचरा बाहर कर दो। ये देखिए झाड़ू लगा के भी वीडियो बन पा रहा है भाई। आप लोग ये मत सोचिए कि दिखाकर वीडियो बना रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं, बस नजर आ गई वो चीज तो कर देते हैं। अब बाकी ये देखिए इनके बहाने, बहाना अच्छा बना लेते हैं भाई। इनके देखा ना दोस्तों आप लोग, ये हैं चिड़ियों का घोंसला बनाने वाले, शायद कबूतरों का है किसका है, तो ये बनाने वाले होंगे, ऊपर तो नजर कहीं नहीं आ रहा है।
तो चलो हमने साइड में कर दिया, बिखरे पड़े थे। अब जो भी कबूतर देख रहा हूँ वीडियो में, यहाँ यहाँ से उठा लेना आप, आपका घोंसला बन जाएगा, इकट्ठा कर देते हैं हम आपके लिए। तोते उड़ गए, वो बैठे हुए कबूतर, शायद ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, बोलो। तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर काफ़ी सारा काम होना बाकी रह गया है, और इसी तरह से काफ़ी सारी घास नज़र आ रही है, अभी इस पर भी काम होना है। पहले साइडों में काफ़ी सारा थोड़ा कंस्ट्रक्शन के भी काम है, जो कचरा अलंगे टाइप के हैं मलबा, उसको क्लीन करना है। और दूसरे साइड में अभी आपको दिखा कर रहे हैं बुर्ज के साइड में भी, वहाँ पर काम कम्प्लीट चल रहा है, और कुछ दीवारें भी उठना है, कुछ बाथरूमों का काम होना है, कुछ वजू खानों का भी काम होना है। और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारी जो घास हो रही है पूरे ईदगाह के अंदर, इसको क्लीन करने के लिए भी काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत है, तो इसलिए तो हम सबको मिलकर ही इसको काम करना पड़ेगा। तो आप लोग जितना टाइम निकाल सकते हैं संडे के दिन या बाकी टाइम, तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, और बाकी यहाँ पर टीम लगी हुई उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भाई आज क्या काम हो रहा है, किसमें आप मेहनत कर सकते हैं, तो इसी के साथ अपनी खिदमत का अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिएगा, अगर आप लोग इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अजान हो रही है, असर की अजान हो रही है।